اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ترجمة. जिस दिन अल्लाह ताला रसूलों को जमा करेंगे, फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम्हें क्या जवाब मिला? रसूल कहेंगे कि हमें कोई खबर नहीं है, बेशक आप पूरे गैब के जानने वाले हैं, आप पूरे पोशीदा चीज़ों के जानने वाले हैं. तो शुरू शुरू में अल्लाह ताला ने अहकामात बयान किए, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ जन्नत की और अच्छी बातों को बयान करके तरगीब दिलाई, फिर उसके बाद क़यामत का ज़िक्र करके अल्लाह ताला कुछ डरा रहे हैं, क्योंकि फ़ज़ाइल भी ज़रूरी हैं और उसके साथ साथ अल्लाह ताला के बताए हुए धमकियां, यानी अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से खौफ दिलाया वो भी ज़रूरी हैं. फ़ज़ाइल अपनी जगह अहमियत रखते हैं और जो खौफ और डर है ये अपनी जगह पर अहमियत रखता है. खौफ और उम्मीद के दरमियान ही ईमान होता है. लिहाजा कुरान पाक का तर्ज ये है कि जब फ़ज़ाइल का जन्नत का बयान आता है तो उसके बाद जहन्नम का बयान भी साथ करते हैं, इसलिए कि एतदाल पैदा हो जाए. तो यहाँ से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिस दिन अल्लाह ताला रसूलों को जमा करेंगे, सबसे पहले तो जहन में ये बात आती है कि सिर्फ रसूल ही जमा किए जाएंगे. आम तौर पे लोगों को पता है कि कल क़यामत के दिन में सबको जमा किया जाएगा, तो मुराद ये है कि अल्लाह ताला सारे लोगों को जमा करेंगे. जमा करने के बाद सबसे पहले जो सवाल है अम्बिया से किया जाएगा, नबियों से. सबसे पहले नबियों से सवाल किया जाएगा. आप सबसे पहले नबियों से क्यों सवाल किया जाएगा? इसलिए कि जो अम्बिया की उम्मतें होंगी उन पर हुज्जत तमाम करने के लिए सबसे पहले नबियों से सवाल किया जाएगा, ताकि नबी साफ साफ गवाही दे दें. हर उम्मत ही जानता है, चाहे किसी ने नबी की मुखालफत की है या नबी की इताअत की है. देखिए, मुखालफत भी वही करता है जो जानता है, बिन जाने और जहालत में कोई भी मुखालफत नहीं करता. यहूद ने, नसारा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना था. अल्लाह दीन यारिफूनहू कमा यारिफूना बनाहू, जैसे अपनी औलाद को पहचानते थे ऐसे अल्लाह के नबी को पहचानते थे. ये अल्लाह ताला के कुरान पाक का फैसला है. तो सारे जिस नबी का उम्मती भी हैं वो अपने नबी को पहचानते हैं और वो यही समझते हैं कि कोई नबी झूठा नहीं है, सारे नबी सच्चे हैं, सारे नबी. लिहाजा उन पर हुज्जत तमाम करने के लिए कि नबियों से गवाही ले ली जाएगी, ताकि बाद में आने वाले तमाम के तमाम मराहिल आसानी से हल कर दिए जाएं. अब यहाँ फरमाते हैं कि जब रसूलों को जमा करेंगे तो सवाल करेंगे कि तुम्हें क्या जवाब मिला. ये अल्लाह ताला तमाम नबियों से पूछेंगे कि तुम्हें मैंने तुम्हारी हर एक नबी को तुम्हारी हर नबी से खिताब करके फरमाएंगे कि तुम्हें तुम्हारी उम्मत के पास भेजा था, तो तुमने अपनी उम्मत को दावत दी, तबलीग की, अहकामात पहुँचाए अल्लाह उसके रसूल के. अब तुम्हें उसके जवाब में तुम्हारी उम्मत ने क्या जवाब दिया? जो तुमने उनको दावत दी उसके सिले में, उसके रिजल्ट में, उसके नतीजे में तुम्हें क्या मिला? क्या तेरी उम्मत ने तेरी बात मानी या तेरी उम्मत ने तेरी बात नहीं मानी? अब कुर्बान जाए अम्बिया के, सारे अम्बिया का कालो से मुराद जमा का सीगा है कि सारे अम्बिया का एक जवाब होगा ला इल्म लना, कि हमें कोई इल्म नहीं है. यानी उन्होंने, यहां मुफस्सिर ने बड़ा अजीब नुक्ता लिखा कि उन्होंने अपनी उम्मतों पर पर्दा डाल दिया, अपनी उम्मतों पर पर्दा डाल दिया कि हम तो जाहिर के मुकल्लफ थे. जाहिर में तो कुछ लोगों ने हमारी मुखालफत की, कुछ लोग हमारे साथ थे. जो हमारे साथ भी थे तो हमें नहीं पता कि वो अंदर से मुसलमान थे या मुनाफिक थे. हम जाहिर के मुकल्लफ हैं बेहतर, और कतई तौर पे हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते. तो अल्लाह, हमें किसी बात की खबर नहीं है, इतला नहीं है.
तो लिहाजा सारे नबी अपनी उम्मतों पे पर्दा डाल जाएंगे। फिर हम आते हैं कि अगर नबी मौजूद हैं और एक उम्मत का वो हिस्सा है जो नबी की मौजूदगी के अंदर है, एक उम्मत का वो हिस्सा होता है जो नबी की मौजूदगी के बाद आता है, जैसे कुछ सहाबा, वो सारे सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो भी मुसलमान होता, अल्लाह के नबी हाथ पर आके बैत करता तो वो सहाबी हो जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कितने लोग मुसलमान हुए, लेकिन अल्लाह के नबी के दुनिया से जाने के बाद आज तक और क़यामत तक कितने लोग मुसलमान आएंगे। तो उम्मत का एक हिस्सा नबी की मौजूदगी में था और एक बहुत सारा हिस्सा जो है अल्लाह के नबी की मौजूदगी में नहीं है। तो अगर इस सवाल का ये मतलब मान लिया जाए कि मेरे पास कोई इल्म नहीं है, बाद में आने वालों के लिए कहा जाए तो ये जवाब ठीक बनता है कि जो मेरे से बाद में आए हैं उनके बारे में मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन जो नबी की मौजूदगी में थे तो उनके बारे में ये जवाब कैसे ठीक हो जाएगा, जिनको नबी ने अपनी आंखों से देखा कि ये जो है नेकी करता है, ये दीन के काम में मददगार होता है, ये मेरी मुखालफत करता है, ये मेरा ताउन करता है, जिनको तो अपनी आंखों से देखा, तो उनके बारे में ये जवाब कैसे बन सकता है ला इल्म लना, कि मुझे इन लोगों के बारे में, हमें इन लोगों के बारे में कोई इल्म नहीं है। फरमाते हैं कि दो किस्म का अलामा राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर बहर मुहीत के अंदर जो है उन्होंने इसका तफसीर में मसले हल कर दिया। फरमाते हैं कि दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक होता है इल्म, एक होता है जन। इल्म किसे कहते हैं, मुझे किसी के बारे में यकीनी तौर पर, कतई तौर पर मालूमात है तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इस शख्स के बारे में मजबूत और पक्की मालूमात है, और जिस बंदे के बारे में मेरे पास पक्की मालूमात ना हो और मेरे पास जो है पक्का यकीन ना हो, उस बंदे के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास फलां बंदे के बारे में इल्म है। जिस बंदे के बारे में मेरे पास पक्की मालूमात है मैं ये कहूंगा कि मेरे पास इस बंदे के बारे में इल्म है, और जिस बंदे के बारे में मेरे पास पक्की मालूमात नहीं है तो मैं ये कहूंगा हो सकता है कि ऐसा हो। तो चूंकि कल क़यामत के दिन में गुमान कोई भी नहीं चलेगा, अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह ताला के इल्म कतई है और वहां पर कतई बातें ही चलेंगी, यानी पक्की ठक्की सच्ची साबितशुदा बातें चलेंगी। तो नबी उस वक्त में उस दो वक्त के लिहाज से ये कह देंगे कि हमें आज की तरह पक्का इल्म किसी के पास भी नहीं है, अला जो आप चाहते हैं वैसे हमारे पास मालूमात नहीं है, हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो लिहाजा अंबिया का ये बात करना कि हमारे पास कोई इल्म नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा। फिर फरमाते हैं कि हम जाहिर के मुकल्लिफ हैं, दुनिया के जितने भी अहकामात होते हैं वो जाहिर के ऊपर होते हैं। कल भी एक मैंने वाकया बयान किया था कि वो जो आपके सामने, और फिर वही कि जाहिर के मुकल्लिफ हैं, अल्लाह के नबी ने बकायदा फरमाया कि हम जो फैसला करते हैं वो जाहिर को देख के करते हैं, इसी के मुकल्लफ हैं, बाकी वल्लाह मुतवल्लिस सराइर, और जितने भी हमारा बातिन है उसका वाली अल्लाह है। अगर हम अपने जाहिर से कुछ और दिखा रहे हैं और अंदर से कुछ और हैं तो अल्लाह हमारा हिसाब ले लेगा। लेकिन जितने भी दुनिया के लोग हैं, चाहे अल्लाह के नबी क्यों नहीं है, सबको यही हुक्म है कि आप जाहिर को देख के फैसला कर दें। यही बात, यही वजह है जो हम जुबान बोलते हैं ये जाहिर है, जो जुबान बोल रही है ये जाहिर है, दिल की क्या है वो जुबान से जाहिर नहीं होता। तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन में क्या करेंगे, अल्योम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, अल्लाह ताला मुंह पे वैसे ही मोहर लगा देंगे, हाथ बोलेंगे और पाँव बोलेंगे, जिस्म के आज़ा बोलेंगे, जो ISI हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है वो खुद बोलेगी। उस वक्त जब ये बोलेंगे ना हमारे आज़ा, तो फिर एहसास होगा कि अच्छा ये भी हमारे अंदर आज़ा मौजूद थे। फिर ये कहेगा मैं तुम्हें मजा दिलाने के लिए तो ये काम किया, तुम्हें खुश करने के लिए तो ये काम किया, और तुम ही मेरे ख्याल गवाही दे रहे हो। तो जाहिर सी बात है, जब अल्लाह ताला, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना तो आप सिर्फ कान सुन रहे हैं, अल्लाह ताला का कलाम करना ऐसे नहीं होता। जब अल्लाह ताला किसी से खिताब करते हैं तो फिर सारे आज़ा उसका जवाब देते हैं। जब अल्लाह ताला हमसे बात करेंगे, सिर्फ जुबान नहीं, हमारे कान, हमारी आंखें, हमारे पांव, हमारे हाथ, हमारी टांगे, सारी जो है उससे अल्लाह ताला को जवाब देंगी, तो फिर जुबान का क्या किरदार रह गया। और फिर फरमाते हैं कि हम सब ने आखिरत की तरफ लौट के जाना है, अल्लाह ताला के पास जाना है, और अल्लाह ताला के पास जब हमने पहुंचना है, आखिरत का जिक्र आया ना, फरमाते हैं कि आखिरत में पाँच चीज़ों का सवाल सबसे पहले होगा, और पाँच किस्म का सवाल हमने उन सवालों की तैयारी दुनिया के अंदर करनी है।
पांच किस्म के सवाल क्या है? हदीस पाक में आता है ला तज़ूल क़दम इब्नि आदम यौम अल-क़ियामा हत्ता तुसअला अन ख़म्सिन। फरमाते हैं कि बनी आदम के पांव उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हिल पाएंगे जब तक के पांच सवालों का जवाब ना दे दे। अन उम्री ही फी माफना, ए बंदे बता के तू अपनी जिंदगी कहाँ गुजार के आया? तो मैंने 60 साल, 70 साल, 100 साल, 150 साल जिंदगी दी, जितनी भी जिंदगी आई जिसको मैसर हुई, तूने ये जिंदगी कहाँ गुजारी? वान शबाब ही फी माबला, तूने मैंने जवानी दी थी, इस जवानी को तूने कहाँ गुजारा? गौर करें, दो सवाल अलग अलग हैं, जिंदगी के बारे में अलग सवाल है, जवानी के बारे में अलग सवाल है। यहां हम मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जिंदगी के बारे में अलग सवाल क्यों हुआ और जवानी के बारे में अलग सवाल क्यों हुआ? फरमाते कि जवानी की जो उम्र होती है ये कुव्वत वाली उम्र होती है, ताकत वाली उम्र होती है, और जवानी के अंदर ही इबादत करना अंबिया का शेवा है। अंबिया जो है जवानी के अंदर इबादत करते थे, बुढ़ापे के अंदर आके इबादत करना अगरचे अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल है, महमूद है, लेकिन फिर भी वो उसकी इज्जत और एहतराम और वैल्यू नहीं है जो जवानी के अंदर इबादत करने की होती है। इसलिए अल्लाह ताला सवाल करेंगे तूने मैंने जवानी दी थी, अपनी जवानी को तूने कहाँ गुजारा? आज होता क्या है, माजरत के साथ, जवानी अपनी मर्जी से गुजारी जाती है, मर्जी से गाना बजाना, हरी हराम खा लो, सूद खा लो, झूठ बोल लो, बदमाशी करो, झगड़े फसादात सारा कुछ कर लो, जब बूढ़े हो जाएंगे तौबा कर लेंगे। पहली बात है कि किसी को ये पता है कि वो अपने बुढ़ापे तक पहुँचेगा, या कल किसी ने देखी है कि हम कल को ये करूँगा? जब बुढ़ापे में पहुँचते हैं तो अल्लाह ताला तो हया कर लेते हैं बंदे का, फिर भी माफ़ करते हैं कि बंदे ने अल्लाह ताला के साथ क्या रवैया अख्तियार किया, ये जवानी जो है अपनी मर्जी से गुजार दी। लिहाजा उम्र का अलग सवाल है और जवानी का अलग सवाल है। तीसरा सवाल, वान मालही मिन आइना तसबा, कि तूने माल कहाँ से कमाया? वह आइना अनफाक, और कहाँ खर्च किया? कहाँ से कमाया अलग सवाल है, कहाँ खर्च किया ये अलग सवाल है। कैसे कमाया, हलाल तरीके से, हराम तरीके से? कहाँ खर्च किया, हलाल के कामों में कि हराम के कामों में? और उमादा आमिल बीमा आलिमा, जो तूने इलम हासिल किया उस पर क्या अमल किया? सिंपल सा सवाल है। लोग कहते हैं कि हमारे पास इलम, हम तो नहीं जाहल लोग, हमें क्या पता है? जिसको एक मसले का पता है वो उसके लिए उस मसले पर अमल करना लाजमी और ज़रूरी और वाजिब है। एक मसला जो बंदा जानता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उंज़िला इलैक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लगता रिसालता, एक आयत का भी जिसको पता है, खुद अमल करना उसके लिए ज़रूरी, लाजिम और वाजिब है, और उसका आगे पहुँचाना भी उसके लिए ज़रूरी है। खुद अमल करना एक अलग वाजिब व फ़र्ज़ है, औरों तक पहुँचाना एक अलग वाजिब व फ़र्ज़ है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह यह ग़ालिब की और सहाबी, उन्होंने अल्लाह के नबी से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, हम अच्छे कामों का हुक्म ना किया करें जब तक खुद पूरे कामों पर ना उतरें, यानी जब तक खुद पूरे अमल, नेक अमल ना कर लें मुकम्मल, उससे पहले हम किसी को अच्छे काम की दावत ना दें, और जब तक खुद जो है पूरे बुरे आमाल से ना बच जाएं, उस वक्त तक औरों को भी बचने की दावत ना दें। फरमाया कि नहीं, तुम अच्छाई की दावत देते रहो अगरचे तुम्हारे अंदर वो खूबियाँ मुकम्मल नहीं हैं, और तुम लोगों को बुरे काम से रोकते रहो अगरचे तुम जो है पूरे के पूरे बुरे कामों से नहीं बच पा रहे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे अच्छे काम पहले मेरी ज़िंदगी में आ जाएंगे फिर उसके बाद मैं लोगों को अच्छाई की दावत देनी शुरू करूँ, या सारे गुनाहों से मैं बच जाऊँगा फिर मैं लोगों को बुराई से बचने की दावत दूँ। मेरे दोस्तों, अच्छे काम पर खड़ा होने के लिए अच्छे काम की दावत माबीन है, बुरे काम को छोड़ने के लिए बुरे काम को छोड़ने की दावत माबीन है। अच्छे काम की दावत देंगे, अच्छा काम जिंदगी में आ जाएगा, बुरे काम को छोड़ने की दावत देंगे, बुरा काम हमारी जिंदगी से निकल जाएगा। ये उसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। तो लिहाजा हमें ये गौर फिक्र करनी है कि हमारी उम्र कहाँ गुजर रही है, जिनको अल्लाह ताला ने जवानी दी है उनकी जवानी का कौन सा हिस्सा, कितना हिस्सा, कितना वक्त जो है दीन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और अल्लाह ताला ने हमें माल दिया है तो कहाँ से हम कमा रहे हैं और कहाँ खर्च कर रहे हैं, और अल्लाह ने जो हमें इल्म दिया है उस पर कितना हमारा इल्म है। तो अल्लाह से दुआ कि अल्लाह जल्ला शानो हम सब को भी नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाल वल इकराम, اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا صوبا لمن اهتدى، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين।
Thank you.